हम लास्ट क्लास तक जो है ये 4 पेजेस वाली वेबसाइट बना चुके थे। इसको हम ज़रा ये ओपन हुई भी है, कुछ इस तरह की दिखती है ये वेबसाइट। होम, गैलरी, कॉन्टैक्ट और अबाउट। अच्छा, कॉन्टैक्ट के पेज पे हमने कुछ लिंक्स भी लगाए थे, जिसमें हमारे पास एक ईमेल लिंक था और एक व्हाट्सएप का लिंक था। ईमेल लिंक पे क्लिक करने से ईमेल का सॉफ्टवेयर खुल जाता था और व्हाट्सएप के लिंक पे क्लिक करने से व्हाट्सएप खुल जाता है और उसमें एक मैसेज पहले से लिखा हुआ रहा होता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर कार सेल। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, हम बुक में आगे जाते हैं। तो हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज लिंकिंग टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज। अच्छा यार, बातें नहीं करो, इधर तवज्जो दो। तो हमने एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाने का लिंक देखा था, सेम वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस पे जाने का लिंक देखा था, हमने ईमेल का और व्हाट्सएप का लिंक देखा। अब हम आखिरी चीज़ ये देख रहे हैं कि सेम पेज पे मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए भी एक लिंक मौजूद है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमारा पेज जो है ना इस वक्त बहुत छोटा सा है, ठीक है। पेज ये मूव हो ही नहीं रहा, एटलीस्ट एक्चुअली ना ये पेज जो है मूव नहीं हो रहा, स्क्रॉलेबल नहीं है ये। तो पहले तो इस पेज में आके मैं काफ़ी सारा कंटेंट ऐड कर लेता हूँ ताकि ये क्या हो जाए, स्क्रॉलेबल हो जाए। तो मैं यहाँ पे जो है ना विकिपीडिया का पेज कोई आर्टिकल कोई खोल लेता हूँ। कौन सा पेज खोला जाए? हाँ, पेपर मनी बोलता हूँ, सही है। एक मैंने आर्टिकल खोल लिया और इसमें से मैं क्या करता हूँ, मैं एक पैराग्राफ यहाँ से उठाता जाता हूँ और अपने पास लगाता चले जाता हूँ, ठीक है। ये एक हेडिंग है मेरे पास, उसके बाद ये एक पैराग्राफ हो गया, ठीक है। तो मैं 8-10-12 पैराग्राफ्स इसमें लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा पेज थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो जाए और फिर मैं क्या कर सकूँ, इसको सेम पेज के ऊपर रहते हुए स्क्रॉल कर सकूँ इसके ऊपर मैं, सही है। ठीक है जी, उसके बाद ये एक अदर टेबल है हमारे पास, फिर उसके बाद 2 पैराग्राफ और है अंडर द हेडिंग ऑफ हिस्ट्री। तो मैंने कहा H1 हिस्ट्री, और एक पैराग्राफ ये रहा, सही है। अगेन ये दूसरा पैराग्राफ ये रहा, ठीक है। तो हिस्ट्री के ये 2 पैराग्राफ्स हो गए, उसके बाद अर्ली चाइनीज़ पेपर मनी करके एक और मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा, ये बाई द वे बैंक नोट जो था ये H1 था, लेकिन उसके बाद ये वाले सारे जो क्या होंगे H2 होंगे एक्चुअली, क्योंकि ये सब हेडिंग्स हैं इसकी, तो ये H2 होंगे। तो अब हम ज़रा आके देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट में इस वक्त कितना कंटेंट आ चुका है। ये मैं इंडेक्स पे कर रहा था ना होम, तो मेरे पास ये कुछ इतना कंटेंट आ गया जो कि थोड़ा कम है स्टिल, लेकिन नॉट बैड, बेयरली स्क्रॉलेबल हुआ है हमारा पेज। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने ऐसे लिंक्स बनाने हैं जिससे मैं इसी पेज के डिफरेंट हिस्सों पे स्क्रॉल कर सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे बहुत कॉमन इसका यूज़ है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में बहुत नीचे आ गए हैं, आप बैक टू टॉप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो लास्ट में एक बटन मैं बना सकता हूँ बैक टू टॉप, बट इस केस में अगर ऐसी वेबसाइट है आपके पास तो बैक टू टॉप डजंट मेक एनी सेंस। वो तो चैट वगैरह में और इन चीज़ों में आपको
क्या कहते हैं हेल्पफुल रहता है कि नए मैसेजेस आ गए अगर तो मैं स्क्रॉल टू बॉटम करना चाह रहा हूँ, तो उस केस में ये हेल्पफुल रहते हैं। तो इस केस में ये हेल्पफुल क्या रह सकते हैं, अगर रह सकते हैं तो कैसे रह सकते हैं? ठीक है, अच्छा, जैसा कि ये वाले लिंक्स काम करते हैं, हमें पता है कि आईडी के थ्रू काम करते हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो मेरा बैंक नोट है ना, इसको मैं आईडी दे देता हूँ टॉप, क्योंकि ये मेरे डॉक्यूमेंट का टॉप है, राइट। इसको मैंने आईडी दे दी टॉप, और एक मैं बॉटम को आईडी दे देता हूँ, जो हमारा लास्ट वाला पैराग्राफ है इसको मैं आईडी दे देता हूँ कि ये क्या है, बॉटम है, ठीक है। तो टॉप और बॉटम को मैंने एक आईडी दे दी। उसके बाद जितनी भी हेडिंग्स है मेरे पास, ना दो सब हेडिंग्स है, एक हिस्ट्री है, इसको मैंने आईडी दे दी हिस्ट्री, और उसके बाद ये है मेरे पास एक अदद। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आईडी आप हेडिंग में जो कंटेंट है वही हेडिंग रखें, आईडी आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको कहा अर्ली मनी, ठीक है। आप देखें जो हेडिंग का कंटेंट है उससे डिफरेंट भी हो सकती है आईडी, ज़रूरी नहीं है कि वही वाली आईडी। तो अब मेरे पास क्या हो चुका है, मेरे पास एक अदद, दो, तीन और सबसे लास्ट वाला ये चार, चार ऐसे मेरे पास एलिमेंट्स हैं जिसको आईडी असाइन की जा चुकी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब लिंक के ज़रिए इन चारों में से किसी एक पे अगर जाना चाहता हूँ तो मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे होगा ये वाला, मैं ऊपर यहाँ पे चार हेडिंग्स बना देता हूँ कि भाई हमारे ना इस पूरे आर्टिकल में चार हेडिंग्स हैं, जो H1 है, जो वहीं पर ही मैं मैंशन कर देता हूँ कि ये क्या है। हमारे पास चार हेडिंग्स हैं, सबसे पहला क्या है, हिस्ट्री, और हमारे पास क्या है भाई, अर्ली मनी, ठीक है। मैंने यहीं पे बता दिया कि यार हमारे पास ना हिस्ट्री और अर्ली मनी दो हेडिंग यहाँ पे हो सकती है, इस आर्टिकल में ये दो हेडिंग है, नीचे 10, 12, 15 भी हेडिंग हो सकती है मेरे इसी आर्टिकल में। तो अब मैं चाहता हूँ कि हिस्ट्री पे अगर कोई क्लिक करता है ना, यहीं H1 से, H1 की अगली लाइन में जो हिस्ट्री मैंने लिखा हुआ है, अगर इस पर कोई क्लिक करता है तो डायरेक्ट मूव होकर किस पर चला जाए, हिस्ट्री के ऊपर चला जाए। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको एंकर एलिमेंट लगाऊँगा इस पर, ताकि ये क्या हो जाए, ये पार्ट क्लिकेबल हो जाए। मैंने कहा कि ए, क्यों नहीं आ रहा, हाँ जी ए, और इस हिस्ट्री को मैं क्या कर दूंगा, ए में रैप कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखें अब ये हिस्ट्री क्या हो गया, क्लिकेबल हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं ये जो अर्ली जो एज है इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लिकेबल बना देता हूँ, ठीक है। तो अब ये दोनों जो लिंक्स थे ये क्लिकेबल हो चुके हैं, ठीक है। इसके बीच में मैं डैश लगा सकता हूँ या स्पेस लगा सकता हूँ, ठीक है। आप इमेजिन करें हमारे पास ऐसे कितने होंगे, अब तीन या चार या पांच हमारे पास हेडिंग्स होंगी ऐसी वाली। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रेप्लिकेट कर देता हूँ तीन या चार दफ़ा। व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है। तो काइंड ऑफ कुछ इस तरह का मेरे पास क्या बन गया, ये एक नेविगेशन बार बन गया। एक तो हमारा मेन नेविगेशन बार है जो मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाता है, ठीक है। लेकिन होम पेज पे ही एक छोटा सा नेविगेशन बार मैंने बना लिया जो मुझे इसी पेज पे मूव करवाएगा, ठीक है। और जब मैं हिस्ट्री पे क्लिक करूँगा तो कहाँ लेके चला जाएगा मुझे, हिस्ट्री की हेडिंग पे। उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, देखें बुक में ज़रा इन्होंने मैंशन किया हुआ कि आप क्या करेंगे, किसी भी हेडिंग पे, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है मैं सिर्फ हेडिंग पे लगाऊँ, ये किसी भी एलिमेंट पे आईडी लगा के मैं मूव करवा सकता हूँ। वो कोई इमेज भी हो सकती है, वो कोई डिव, वो कोई हेडिंग, कोई पैराग्राफ या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई बोल्ड इटैलिक का टैग भी वो हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ये H1 पे, इसने बोला भाई आप एक ऐसे हेडिंग लगा दो। उसके बाद जो HREF होगा ना आपका, उस पर आपने क्या करना है, हैश लगा के और उस आईडी का नाम लिख दे रहे हैं आपने, ठीक है। तो मेरे पास इस हिस्ट्री के बटन पर क्लिक करने से मुझे कहाँ जाना है, हिस्ट्री की हेडिंग पर जाना है,
तो मैंने हैश लगा के क्या लिख दिया यहाँ पे, हिस्ट्री लिख दिया। अच्छा, अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस डॉक्यूमेंट में ये देखेगा कि इस नाम का, इस नाम से आईडी किसी एलिमेंट को दी हुई है अगर, तो मुझे वहाँ स्क्रॉल करके ले जाएगा। अगर इस नाम की कोई आईडी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। सही है, तो देखते हैं ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। हिस्ट्री पे क्लिक किया, देखो फॉरन हिस्ट्री पे लेकर आ गया। मैं वापस स्क्रॉल करके ऊपर जा सकता हूँ, हिस्ट्री, हिस्ट्री पे लेकर आ गया। ठीक है, अब अगला जो अर्ली मनी है इस पर क्लिक करने से अभी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, अर्ली मनी का जो भी आईडी थी, अच्छा इसका मैं टाइटल भी प्रॉपर कर देता हूँ। जो टाइटल है इसका, इसका टाइटल है ये, तो मैंने हैश लगाया। ठीक है, रिफ्रेश किया तो हिस्ट्री पे दबाने से ये हिस्ट्री पे लेके जा रहा है, अर्ली चाइनीज पेपर मनी पे दबाने से ये मुझे इस हेडिंग पे लेके चला जाता है। अच्छा, ये वाली हेडिंग यार टॉप पे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मज़ीद स्क्रॉलेबल नहीं है ये पेज। ठीक है, अगर मैं इसमें मज़ीद नीचे कंटेंट ऐड कर दूँ, मतलब कंटेंट ऐड करने का मतलब ये है कि पैराग्राफ लगा दूँ मैं मज़ीद, डग 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 डग, एक ही पैराग्राफ को मैंने मज़ीद उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बना दी है, तो ये मज़ीद स्क्रॉलेबल हो गया। तो अब आप देखेंगे जब यह क्लिक करूँगा तो अभी हेडिंग टॉप पर आएगी। ठीक है, ये हेडिंग टॉप पर आ गई। अच्छा, अगर आप गौर करें तो होता क्या है कि जब मैं हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरा नेविगेशन बार है ना, ये इस पार्ट पे गौर कीजिएगा क्या होता है। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ गया, हैश हिस्ट्री बना हुआ आ गया। अच्छा, अब मैं अगर इसको यूआरएल को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से और एक नया टैब ओपन करके उसमें खोलता हूँ इसको, तो जब ये पेज खुलेगा तो मुझे हिस्ट्री पे लेकर आएगा दोबारा। ठीक है, तो मतलब अगर आपने इस लिंक पे क्लिक किया है और आपके सामने हिस्ट्री करके खुला हुआ है तो वो यूआरएल का भी पार्ट बन जाता है, उस पर क्लिक करते ही। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने अगर कॉन्टैक्ट का पेज खुला हुआ है तो ये यूआरएल में क्या हो जाता है, contact.html। तो आप अगर इस यूआरएल को कट करके एक नए टैब में ओपन करते हैं तो क्या खुलेगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का पेज खुलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ये वाला लिंक है, ये वाला जो हैश है, क्या उसको बोलेंगे, सेम पेज लिंक, वो भी यूआरएल का पार्ट बन जाता है और वहीं पे आपको लेकर जाता है। अच्छा, इसका और क्या यूज़ हो सकता है, उसका यूज़ ये हो सकता है कि मैं हिस्ट्री पे क्लिक करके अगर यहाँ आया हूँ तो हिस्ट्री के साथ एक बटन बना हुआ बैक टू टॉप का। जैसे मैंने विकिपीडिया का एक आर्टिकल खोला है, तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर मैं इसका रियल लाइफ एक यूज़ केस इन्होंने दिया हुआ है, एक्चुअली यही काम इन्होंने भी किया हुआ कि कोई भी यहाँ बात लिखी हुई होती है ना, उसके साथ क्या होता है, कुछ रेफरेंसेज होते हैं, देख रहे हो। अब जब मैं इस रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ ना तो क्या होता है, ये मुझे उसी पेज पे स्क्रॉल करके नीचे लेकर आ जाता है। ठीक है, और ये है वो रेफरेंस जहाँ पे मुझे वो लेकर आया। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा एरो बना हुआ ये वाला, ठीक है, इस पे हाथ रखते ही कह रहा है जंप बैक अप। जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ मैं वापस वहीं पहुँच जाता हूँ जहाँ से मैंने रेफरेंस पे क्लिक किया था, हालांकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल है। ठीक है, समझ रहे हो इसका यूज़ केस क्या है। इसका यूज़ केस ये है कि अगर मैं यहाँ पे, ये 16 नंबर इसका रेफरेंस है, सारे रेफरेंसेस की आखिर में लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे मैं जाऊँ अगर तो ये सारे रेफरेंसेस की लिस्ट बनी हुई है, ये सारे रेफरेंसेस हैं, तो 16 नंबर रेफरेंस मैं वैसे भी तलाश कर सकता हूँ, ये रहा 16 नंबर रेफरेंस आ गया। बट क्या मैं बार बार इतना लंबा स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा फिर वापस जाऊँगा, नहीं, मैं बटन दबा के वापस आऊँगा और यहीं पर फिर बैक, जंप बैक का भी बटन बना, इसको दबा के वापस एग्जैक्ट वही जगह पहुंच जाऊंगा जहां से मैं पढ़ना छोड़ा था, मैंने वहीं से दोबारा पढ़ना शुरू करूंगा। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है जहां पे इसकी ज़रूरत है। ठीक है, जहां पे इसकी ज़रूरत नहीं है वहां पे आपको लगेगा कि यार इसका तो कोई काम नहीं है मतलब, लेकिन जब इसकी ज़रूरत पड़ जाती है आपको तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। विकिपीडिया जो है इसकी एक जीती जागती मिसाल है। ठीक है, तो हर जगह पर इसको घुसाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अनॉइंग हो सकता है सम टाइम यूज़र के लिए। अच्छा, आजकल कुछ नई वेबसाइट्स आपने देखी होगी कि जैसे हमने 3-4 पेजेस बनाए हुए हैं, वो आमतौर पर 3-4 पेजेस नहीं बनाते, वो एक ही पेज को स्क्रॉल 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 करके नीचे जा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम एप्पल की वेबसाइट देखी थी, तो एप्पल की वेबसाइट में पेजेस नहीं थे कोई। ठीक है, मतलब जैसे ये आईफोन फॉल्ट, मैं आईफोन पर चला जाता हूँ इसमें लर्न मोर, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, तो इसमें ना डिफरेंट पेजेस नहीं है। आप और करें,
ये एक ही पेज है जो स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, एक ही पेज स्क्रॉल हो के ऊपर जा रहा है और ये डिफरेंट टॉपिक्स इन्होंने कवर किए हुए हैं, कहीं पे कैमरे की बात कर रहे हैं, कहीं पे सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे जो है वो बैटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कन्वेंशनल वेबसाइट में क्या होता था कि ऊपर बैटरी डिस्प्ले ऐसे चार पांच पेजेस होते मे बी, तो इन्होंने ऐसे करके किया हुआ है कि सेम वेबसाइट पे। तो वेल शायद ये बहुत अच्छी एग्जांपल नहीं बताई मैंने, कोई ऐसी वेबसाइट है किसी के जहन में भी जो सेम पेज पे चलती हो, ऊपर नेविगेशन बार एक क्लिक करने से स्क्रॉल करके नीचे लेके चला जाता है? वेल मेरे जहन में एक वेबसाइट है इसमें क्या होता है कि ये एक ही पेज की वेबसाइट है, अगर आप अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो ये स्क्रॉल करके आपको वहाँ ले जाता है, सर्विसेज पे स्क्रॉल करके ले जाता है, कॉन्टैक्ट अस पे आपको स्क्रॉल करके ले जाता है ये, ठीक है जी, और होम दबाते हैं तो वापस स्क्रॉल करके ऊपर लेकर आ जाता है। तो इस तरह की वेबसाइट भी अब बनना शुरू हो गई है। अगर कोई बहुत ही छोटी शॉप है या कोई बहुत ही छोटी दुकान है जिसके पास इतना कॉन्टेंट नहीं है अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए कि डिफरेंट पेजेस बने, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक पेज की वेबसाइट होती है। आजकल ट्रेंड ऐसा देखने में आ रहा है कि लोग शादी के लिए भी अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो आप तो डेवलपर हैं। एक दिन मैं जा रहा था रास्ते में, तो मैंने देखा आगे मोटरसाइकिल जा रही है, उसकी नंबर प्लेट की जगह क्या लगा हुआ है, टीपी लिंक का राउटर। टीपी लिंक के राउटर में ना लिटरली ऐसा दो सुराख करके दरमियान से, और उसने नंबर प्लेट की जगह पे टाइट किया हुआ है और दो कान यूँ निकले हैं उसके, और उस नंबर उसके ऊपर उसका नंबर भी लिखा हुआ है चमक पट्टी से। तो ये देखते ही क्या समझ में आ रहा है कि ये बंदा कौन है, कोई बनाता होगा राउटर वगैरह बनाता होगा, कोई नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा कोई दिमाग का एक्सरे करो तो अंदर से नेटवर्किंग मतलब नेटवर्किंग की फील्ड का बंदा है, सामने ही नज़र आ गया, देखते ही नज़र आ गया, समझ रहे हो ना। तो अब तुम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए हो, वेबसाइट बनाना सीख गए हो, तो अब ये फ़र्ज हो गया कि जब भी तुम लोगों की शादी हो तो वेबसाइट हो उसकी भाई, पेपर पे भी हो बट पेपर के ऊपर एक QR कोड बना हुआ मोस्ट प्रॉब्ली, उसको स्कैन करें तो एक वेबसाइट खोल दें। वेबसाइट पे आप जहाँ पे हो रही है इवेंट है शादी का, वहाँ का पिन ड्रॉप उस पर लगा हुआ मैप में, ठीक है, क्लिक करें तो गूगल मैप पर ले जाए, चलना शुरू हो जाए, किसकी शादी है, किससे हो रही है, जो भी डिटेल्स उस पर लिखी हुई होती हैं, टाइमिंग वगैरह एक्स वाई ज़ेड, वो उस पर हो, ठीक है। यहाँ लोग बाय द वे अभी आप लिखूंगा ना मैं कि क्या वेडिंग वेबसाइट, तो उसमें आ जाती है बहुत सारी ना टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं काफ़ी सारे, ये रहा फ्री वेडिंग वेबसाइट्स टेम्पलेट, ये देख रहे हो, यार वेडिंग नहीं बोलते हैं क्या, कुछ और बोलते हैं क्या, हाँ ये रहे ना आगे, और खुल जा भाई, ये तो असल में गोरों वाला आ गया सारा। वेल ठीक है भाई, तो अगर आपकी शादी का जो कार्ड है उसके ऊपर अगर वेबसाइट नहीं लिखी हुई, वही QR कोड नहीं है स्कैन करने वाला, तो बाय डेफिनेशन फिर आप डेवलपर नहीं हुए, फिर आप सही